हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपके साथ एक बार फिर से जुड़ा हूँ प्लस टू की फिजिक्स को लेकर के। अपने लास्ट जो पढ़ा है वो पढ़ा था कूलम का नियम, ठीक है। लास्ट क्लास में अपने जो पढ़ा था वो टॉपिक था कूलम का नियम, और कूलम के नियम में आपने पढ़ा एफ इक्वल के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर। एफ किसके इक्वल था? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर के इक्वल लिखा हुआ था। अपने को क्या करना है, अपने को सबसे पहले तो एक कूलम को परिभाषित करना है। एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है कि एक कूलम को परिभाषित कीजिए, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, Q1 और Q2 जो है इसको लिखेंगे एक कूलम, और दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है इसको लिखेंगे एक मीटर, या एकांक सीधा लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, एक मीटर। तो यहाँ से F का जो मान आएगा कितना आएगा, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन आएगा। तो यदि आपको एक कूलम की परिभाषा लिखनी हो तो आप लोग क्या बोलोगे कि दो आवेशों के मध्य यदि दूरी एकांक हो और उनके मध्य लगने वाला बल 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन हो तो आवेशों का जो है परिमाण कितना होगा, एक कूलम होगा। यानी आप लोग बोल सकते हो यदि दो आवेशों के मध्य दूरी एकांक हो, यानी आवेशों के मध्य दूरी कितनी हो, एकांक हो, और उनके मध्य जो बल लग रहा है उसका मान कितना हो, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन हो। आवेशों के मध्य दूरी एकांक और बल कितना हो, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन हो, तो इन आवेशों का जो परिमाण है वो कितना होगा, एक कूलम होगा, ठीक है। आप लोग बोल सकते हो यदि दो आवेशों के मध्य दूरी एकांक हो और उनके मध्य लगने वाले बल का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन हो तो उन आवेशों का परिमाण कितना होगा, एक कूलम होगा। इसके अलावा एक दो और परिभाषाएं हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक तो इसके अंदर आती है बिंदु आवेश की, बिंदु आवेश की, और एक हमने इसके अंदर पढ़ते हैं परीक्षण आवेश। तो इसके अंदर दो परिभाषाएं आ जाती है, एक तो बिंदु आवेश की और दूसरी आ जाती है परीक्षण आवेश की। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं बिंदु आवेश की, कि बिंदु आवेश क्या होता है। अपने बार बार इसे पढ़ेंगे कि बिंदु आवेश है, कोई एक बिंदुवत आवेश है। जैसे आप लोगों ने जस्ट पीछे वाली क्लास के अंदर कूलम का नियम पढ़ा था, उसमें भी बोला था कि दो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो बिंदु आवेश का मतलब होता है जैसे दो आवेश अपने पास में Q1 और दूसरा क्या है Q2 है, और उनके मध्य दूरी कितनी है, R है, ठीक है। यदि ये मध्य दूरी R जो है, मध्य दूरी जो है ये क्या हो, ज़्यादा हो, किसकी तुलना में, इनके आकार की तुलना में, यानी आवेशों का आकार छोटा हो और उनके मध्य दूरी क्या हो, ज़्यादा हो, तो जो आवेश है उसको अपने क्या नाम देते हैं, उसको अपने नाम देते हैं बिंदुवत आवेश, ठीक है। या फिर अपने कोई एक आवेश है, जैसे ये आवेश है और यहाँ कोई एक पॉइंट P है और ये क्या है, इस पॉइंट P की दूरी R है। यदि ये पॉइंट P इससे बहुत ज़्यादा दूरी पर हो, इसके आकार की तुलना में बहुत ज़्यादा दूरी पर हो, तो इस आवेश को अपने क्या बोलते हैं, इस आवेश को अपने बिंदुवत आवेश बोलते हैं। तो बिंदुवत आवेश का मतलब हो गया कि आवेश जो है उसका आकार कम हो और उनके मध्य दूरी क्या हो, ज़्यादा हो, तो उस आवेश को अपने क्या बोलते हैं, बिंदुवत आवेश बोलते हैं। एक अपनी बात करनी पड़ेगी परीक्षण आवेश की, क्योंकि अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, और भी बहुत सारे टॉपिक करेंगे अपने आने वाले दिनों में, तो सभी के अंदर अपने को एक परीक्षण आवेश लेना पड़ेगा।
तो परीक्षण आवेश पर ही अपने क्या करते हैं, दूसरे बल को, जैसे विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा, तो उन सभी बलों को अपने किसके ऊपर देखेंगे, इस परीक्षण आवेश के ऊपर ही देखेंगे कि उस बल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपने फिजिक्स के अंदर परीक्षण आवेश जो है वो क्यू जीरो जो है, क्यू जीरो या क्यू नोट अपने जिसे बोलते हैं, क्यू नोट जो है या क्यू जीरो जो है, और धनात्मक आवेश जो है इसको अपने क्या लेते हैं, परीक्षण आवेश लेते हैं। यानी धनात्मक क्यू जीरो आवेश को अपने क्या मानते हैं, एक परीक्षण आवेश लेते हैं, और इसी पर अपने क्या करते हैं, बल का, विद्युत क्षेत्र का और उन सभी का अध्ययन करते हैं। यानी अपने क्षेत्र ज्ञात करेंगे, बल ज्ञात करेंगे, तो उन बलों को या क्षेत्रों को किसी एक आवेश पर अपने लगा करके देखेंगे, वो जो आवेश होगा जिस पर लगा करके देखेंगे वो क्या होगा, क्यू जीरो होगा। इसका परिमाण क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, इतना अलग होता है कि ये उस क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता जिस क्षेत्र में अपने इसे रखा जाता है। तो ये अपनी बात आ जाती है परीक्षण आवेश की। हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिंदुवत आवेश और परीक्षण आवेश, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि बिंदुवत आवेश और परीक्षण आवेश क्या होते हैं। एक कूलम की परिभाषा आप लोग यहाँ से लिख सकते हो, एफ इक्वल के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर से। अब अपने जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कूलम के नियम का सदिश रूप। नेक्स्ट जो अपने टॉपिक आता है वो आता है कूलम के नियम का सदिश रूप। एक तो देखो, अगर कोई छोटा क्वेश्चन आए, जैसे एक नंबर का ही क्वेश्चन आ जाए या किसी टॉपिक के साथ में आ जाए, तो आप इसे सीधा लिख सकते हो। जैसे आप लोग लिखते हो एफ इक्वल के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये अपने परिमाण के रूप में लिखा है। पर अगर आपको इसी को सदिश रूप में बदलना हो, यहाँ f वेक्टर लिख देते हैं, k नियतांक है, q1 और q2 अदिश राशि हैं, ये दूरी और दूरी का वर्ग है, तो परिमाण के रूप में लिखा जाएगा। और यहाँ अपने क्या लगा दे, दिशा लगा दे, जो बल लग रहा है, परिणामी बल लग रहा है, ये उस परिणामी बल की क्या है, दिशा है। तो ये इसका क्या बन जाता है, सदिश रूप बन जाता है, ठीक है। परंतु आपके जो क्वेश्चन आता है वो कम से कम दो नंबर का रहता है, और ज़्यादातर उसमें लिखा हुआ आता है कि सिद्ध कीजिए कूलम का नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का क्या करता है, पालन करता है। जैसे आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सिद्ध कीजिए गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है वो क्या करता है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का पालन करता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी आएगा कि सिद्ध कीजिए कूलम का नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम, तृतीय नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, उसकी पालना करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों को एक निर्देश तंत्र लेना पड़ेगा। एक्स वाई क्या है, एक निर्देश तंत्र है, और ओ क्या है, एक मूल बिंदु है। ये क्यू वन एक आवेश है, और आर वन वेक्टर जो है वो क्या है, दूरी है। ये क्यू टू एक आवेश है, और मूल बिंदु ओ के सापेक्ष R2 वेक्टर का जो स्थिति सदिश है वो कितना है, अपने मूल बिंदु O के सापेक्ष Q2 का जो स्थिति सदिश है वो कितना है, R2 वेक्टर है, और Q1 का जो O के सापेक्ष है वो कितना है, R1 वेक्टर है। और इस प्रकार से दोनों के मध्य क्या लग रहा है, बल लग रहा है, इसे मैं लिख देता हूँ F21 वेक्टर, और इसे लिख देता हूँ F12 वेक्टर। तो अपने जब भी इसे लिखते हैं, जैसे यहाँ लिख देता हूँ F12 वेक्टर, इसका मतलब होता है पर, और इसका मतलब होता है पर, और इसे बोलते हैं के कारण। जैसे ये जो टर्म लिखी हुई है F12 वेक्टर, इसका मतलब हुआ एक पर दो के कारण, एक पर दो के कारण, यानी Q1 पर Q2 के कारण। यदि मैं इसे इस प्रकार से लिख देता F21 वेक्टर, तो ये क्या बनता, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। ये बात समझ में आई। अब देखो अपने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो जब आप इसकी थ्योरी लिखोगे तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि हमारे पास में एक्स वाई क्या है, एक निर्देश तंत्र है। जो जो काम आपने यहाँ किया वो सब लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, हमारे पास में एक्स वाई एक निर्देश तंत्र है, वो क्या है, मूल बिंदु है, ओके है अपना यहाँ पर एक
मूल बिंदु है, ठीक है। और एक आवेश है Q1 जो O के सापेक्ष R1 वेक्टर दूरी पर स्थित है, दूसरा आवेश Q2 O के सापेक्ष R2 वेक्टर दूरी पर स्थित है, ठीक है। और दोनों के मध्य लगने वाला बल F12 वेक्टर और F21 वेक्टर है। Q2 पर जो बल लग रहा है वो तो कितना है, F21 वेक्टर है, और F12 वेक्टर जो है वो बल लग रहा है Q1 पर, ठीक। अब अपने एक तो दूरी की बात कर लेते हैं, तो Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, किसका स्थिति सदिश, Q2 का कितना होगा, R21 वेक्टर होगा, और R2 में से R1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसी प्रकार Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश और क्या आएगा, R12 वेक्टर इक्वल R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और ये क्या आ जाएगी, समीकरण दो आ जाएगी। तो ये आ गया R12 वेक्टर इक्वल R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और ये R21 वेक्टर इक्वल R2 माइनस R1 वेक्टर। देखो ये जो अपने स्थिति सदिश देखा ना Q2 का, ये देखा है अपने Q2 का Q1 के सापेक्ष, Q2 का और किसके सापेक्ष, Q1 के, और यहाँ किसका देखा है, Q1 का किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष, ठीक है। और ये जो स्थिति सदिश लिखी है R1 वेक्टर ये लिखा हुआ है, R2 वेक्टर यह लिखा हुआ है, ये किसके सापेक्ष है, ये मूल बिंदु O के सापेक्ष है। तो अपने को बल का मान जब ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपने F21 का लिख देते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ, Q2 आवेश पर, आवेश पर Q1 के कारण, के कारण लगने वाला बल, ठीक है। तो Q2 पर बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, F21 वेक्टर, क्या लिखेंगे, F21 वेक्टर, और साथ में K Q1 और Q2 आ जाएंगे, और यहाँ जो दूरी लिखेंगे ये फिर क्या लिखेंगे, R21 लिखेंगे। यानी अपने F21 वेक्टर इक्वल क्या लिखा, K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर, और साथ में R21 के, देखो यहाँ 21 लिखा तो यहाँ पर भी अपने क्या लिख दिया, 21 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी अपने क्या लिख दिया, 21 लिख दिया। एक बात की जरूर ध्यान रखना कि अगर आप इसे जैसे मैंने करवाया वैसे करना चाहता हो, करने करना चाहते हो, तो आपको डायग्राम भी यही बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसी डायग्राम से आप इसे ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने ये लिखा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप R2 में से R1 को घटाओ, ये तो सिर्फ एक सिंबल है, इसकी जगह कुछ भी लिख सकते थे, पर अगर आप ये लिखना चाहो तो आपको यही डायग्राम बनाना पड़ेगा, और थ्योरी में भी यही सब आपको लिखना पड़ेगा। तो आपने क्या लिख दिया, F21 वेक्टर इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर और R21 कैप। अब एक मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये देखो यहाँ, यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ लिखा है R21 स्क्वायर और R21 कैप। आपको पता है कि R21 वेक्टर का ये मान यहाँ पर आप लोग रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, मोड लगा देते और स्क्वायर करके अपने इसे लिख देते, परंतु मैंने यहाँ इसे नहीं लिखा है, ठीक है। और ये देखो, आप लोग यदि इसे चाहो R21 वेक्टर को, तो आपको पता है एकांक सदिश किसके बराबर होता है, सदिश बटे सदिश के परिमाण के, तो ये आता R21 वेक्टर अपॉन R21, जिससे ये क्या बन जाती है, क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है, बता देता हूँ आपको, क्योंकि बुक में आपके इसी डेरिवेशन को कुछ ऐसा लिखा गया है R21 स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, R21 कैप लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग इसे चाहो तो आप सभी जानते हो कि एकांक सदिश किसके बराबर होता है, सदिश बटे सदिश के परिमाण के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये सदिश का परिमाण है, तो आपको पता है कि आप इसे ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अगर ये मान यहाँ पर रख देते हो तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है K Q1 Q2 अपॉन R21 और गुणा वेक्टर आ रही और R2
वन, जिससे आप इसे लिख सकते हो एफ टू वन वैक्टर के क्यू वन क्यू टू और ये आर टू वन की क्यूब और टू वन वैक्टर। ठीक है, आपको ये डेरिवेशन नहीं, ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो बता रहा हूँ जो आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है। तो ये लिख दिया यहाँ तक अपने। अब देखो आर टू वन वैक्टर का मान आप सभी जानते हो, ये जो समीकरण है आर टू वन वैक्टर, ये समीकरण एक यहाँ से आप लोग लिख सकते हो। तो यदि ये मान आप लोग लिख देते तो इस जगह क्या आ जाता, इस जगह ये मान आ जाता। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाता, जैसे ये लिखा है उसी प्रकार से यहाँ पर भी अपने पास में मान आ जाता। जैसे आर टू वन वैक्टर, ये देखो ये अपने पास में क्या है, आर टू वन वैक्टर है, तो ये क्या बनता, आर टू माइनस आर वन वैक्टर, और इसका मोड बनता, और किसके इक्वल है ये, आर टू वन माइनस आर वन के इक्वल है। ठीक है, और आप लोग फिर क्या कर सकते थे, ये मान उठा करके इसमें लिख देते, उससे क्या होता, उससे इसकी क्यूब बन जाती। ये जो मान मैंने यहाँ लिख रखा है, ये वाला मान, इसकी यहाँ पर क्या बन जाती, क्यूब बन जाती। तो ये बन जाता एफ टू वन वैक्टर इक्वल के क्यू वन क्यू टू, और यहाँ क्या जाता आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर, और अपॉन में आर टू वन वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर, इसका मोड, और यहाँ क्या आ जाती, क्यूब आ जाती। ठीक है, पर आपको ऐसा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा आपकी बुक में लिखा हुआ इसलिए बताया ये। ये बिल्कुल वही बात है जैसे यहाँ के लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं। तो अपने यहाँ तक बात की थी Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल F21 वेक्टर इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R21 की स्क्वायर, और साथ में क्या है R21 कैप है। अब देखो अब अपने क्या करना है, अब अपने Q1 आवेश पर Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल देखना है, Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल, किस पर बल देखना है, 1 पर देखना है। तो क्या आया K Q1 Q2, और यहाँ क्या लिख दोगे R12, और साथ में R21 की कैप। ठीक है, तो F12 वेक्टर इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 कैप आ गया। तो ये अपने किसका मान आया है, ये अपने पास में मान आया है F12 वेक्टर का। अब देखो अब अपने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहाँ क्या करना है, सिद्ध करना है। एक बार के लिए आप लोग या तो इस समीकरण को सोल्व करके इसके जैसा बना सकते हो, या इसे सोल्व करके इसकी तरह बना सकते हो। तो मैं इसी को सोल्व कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि समीकरण आगे लिखी पड़ी है अपने पास में। तो ये देखो आर वन टू वैक्टर है, मेरे पास में क्या है आर वन टू वैक्टर है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ऐसा जो समीकरण दो में आपके पास में लिखा हुआ है। यदि मैं यहाँ माइनस कॉमन लेता, यहाँ क्या करता माइनस कॉमन लेता, तो क्या ये ऐसा नहीं बनता, बनता। और ये किसका मान है, ये R21 का मान है, तो ये क्या बनता R12 वेक्टर इक्वल माइनस का R21 वेक्टर, ये बन जाता है। ठीक है, समीकरण नंबर यदि इसे लगाएं, ये चार है और ये समीकरण पाँच है। इसी प्रकार R12 कैप किसकी इक्वल है, माइनस R21 कैप की, क्योंकि ये तो बस दिशा है, ये क्या है दिशा है, और आप देख सकते हो एक की दिशा इस तरफ और दूसरे की दूसरी तरफ है, तो यहाँ क्या है माइनस है। एक बात आप ज़रूर ध्यान रखना कि कूलाम्ब का जो नियम है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों दर्शाता है। यदि ये आवेश प्लस ये माइनस होता तो ये दिशाएं एक और आ जाती, जैसा किस में आता है, जैसा कि आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है उसका सदिश रूप पढ़ा था, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आकर्षण था, पर यहाँ आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है, तो दोनों आएंगे यहाँ। अभी दोनों आवेश धनात्मक ले रखे हैं तो इनके मध्य क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। अब देखो ये पाँच और छः उठा करके मैं किस में रख देता हूँ, चार में रख देता हूँ, ये बनेगा एफ वन टू वैक्टर इक्वल के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू की जगह क्या लिख सकता हूँ, आर टू वन की स्क्वेयर लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है ऊपर क्या लगी हुई है, स्क्वेयर लगी हुई है, और ये दोनों मान तो क्या है बराबर है, फर्क किसका है, सिर्फ माइनस का फर्क है, किसका फर्क है माइनस का फर्क है, पर अपने क्या कर रखी है इसकी स्क्वेयर कर रखी है। जैसे ही अपने स्क्वेयर करेंगे
माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो अपने आर टू वन की स्क्वायर लिखे या आर वन टू की स्क्वायर लिखे एक ही बात है। पर यहाँ यदि देखें तो ये क्या है, आर वन टू कैप है और ये माइनस का आर टू वन की कैप है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ आर वन टू वैक्टर इक्वल माइनस के क्यू वन क्यू टू आर टू वन और आर टू वन कैप, और इसे लिख सकता हूँ एफ वन टू वैक्टर इक्वल माइनस एफ टू वन वैक्टर। ठीक है, यहाँ से सिद्ध होता है कि जो अपने पास में कूलम का नियम है वो क्या करता है, न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। जो अपने न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा है उसकी ये क्या करता है, पालना करता है। तो इस प्रकार अपने सिद्ध कर सकते हैं इसे। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मान करके चलो दो नंबर का आएगा और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले आपको एक निर्देश तंत्र लेना है, एक्स वाई क्या है अपने पास में, एक निर्देश तंत्र है और इसके अंदर दो आवेश है, एक आवेश क्यू वन है और दूसरा आवेश क्यू टू है। स्थिति सदिश आर वन वैक्टर है और दूसरा आर टू वैक्टर है। ये जो स्थिति सदिश अपने लिए हैं किसके सापेक्ष है, ओ के सापेक्ष है। ठीक है, और अपने क्यू वन पर यदि बल देखें तो कितना है, एफ वन टू वैक्टर है और क्यू टू पर देखें एफ टू वन वैक्टर बल है। क्यू वन के सापेक्ष क्यू टू का स्थिति सदिश आर टू वन है और क्या लिखा है, आर टू माइनस आर वन है। इसी प्रकार क्यू वन का स्थिति सदिश देखें तो ये क्या है, क्यू वन का स्थिति सदिश है, और क्यू टू पर बल देखेंगे तो स्थिति सदिश भी किसका देखेंगे, क्यू टू का देखेंगे। देखो यहाँ बल किस पर देख रहे हैं, क्यू टू पर देख रहे हैं, किसके कारण देख रहे हैं, क्यू वन के कारण देख रहे हैं। तो अपने को ये पता होना चाहिए ना कि जिस पर बल देख रहे हैं वो जिसकी वजह से बल लग रहा है उससे कितनी दूरी पर है, तो वो कितनी दूरी पर है, वो आर टू वन वैक्टर दूरी पर है। ये मान अपने इसके अंदर रख दिए, यहाँ टू वन है तो यहाँ भी क्या आ जाएगी, फिर टू वन आ जाएगा और ये दिशा भी क्या आ जाएगी, आर टू वन कैप आ जाएगी। इसी प्रकार क्यू वन आवेश पर जो बल लगेगा कितना आएगा, एफ वन टू वैक्टर आएगा। अपने क्या कर दिया, आर वन टू वैक्टर लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया, आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर लिख दिया और माइनस को कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा और इन दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। और फिर अपने समीकरण जो है चार उसमें सारे मान रख दिए, ये तो प्लस का ही आएगा क्योंकि वर्ग करेंगे माइनस और माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है, और यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस को बाहर लिख दिया, ये टर्म बची। और जैसे ही अपने ये मान रखा यहाँ से समीकरण चार से, ये क्या बन गया, एफ वन टू वैक्टर इक्वल माइनस एफ टू वन वैक्टर। इससे सिद्ध हो गया कि ये किसकी पालना करता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया जो नियम है उसकी पालना करता है। ठीक है, इसके बाद में अपने एक टॉपिक आता है अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो अपने टॉपिक आता है अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, देखो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। वैसे तो आप लोगों ने छोटी क्लासों में भी अध्यारोपण का सिद्धांत जो वो पढ़ा है और ग्यारहवीं क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है तरंग के अंदर। यहाँ देखो अध्यारोपण का सिद्धांत आपको क्या बता रहा है। अध्यारोपण का सिद्धांत अपने को बताता है कि किसी एक आवेश पर, जैसे एक आवेश क्यू वन है, इस पर अनेक आवेश क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। जैसे इस तरफ से मान लो Q1 बल लगा रहा है, यहाँ से Q2 लगा रहा है, इस जगह से Q3 लगा रहा है, इस जगह से Q4 लगा रहा है, ये सभी क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। यदि अलग अलग आवेश इस पर बल लगा रहे हैं, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, ये सभी बल लगा रहे हैं, तो इन सभी के कारण किस पर बल लग रहा है, Q0 पर बल लग रहा है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत जब अपने लिखेंगे तो अपने क्या बोलेंगे, किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर, यहाँ किस पर, यहाँ क्यू जीरो पर, किसी एक आवेश पर अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाला बल, जैसे F1, F2, F3, F4, ये सभी जो बल लग रहे हैं ये किस पर लग रहे हैं, क्यू जीरो पर लग रहे हैं। तो अपने लिखेंगे कि किसी एक आवेश पर अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बल जो है उनका योग जो है वो परिणामी बल के बराबर होगा। ठीक है,
आगे देखो एक बार और इसे, आप लोग बोल सकते हो Q1 पर कौन कौन बल लगा रहे हैं, F1 लगा रहा है, F2 लगा रहा है, F3 लगा रहा है और F4 लगा रहा है। परिणामी बल इस पर कितना लग रहा है, F वेक्टर इक्वल 1, 2, 3 और 4 लग रहा है, ठीक है। तो इस पर जो बल लग रहा है ये इन सभी के सदिश योग के बराबर है। जैसे Q1 जो है Q2 पर भी तो बल लगा रहा है, देखना एक बार Q1 पर कौन कर बल लगा रहा है, Q2 लगा रहा है और Q2 पर Q1 भी लगा रहा है। तो इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है, इन दोनों के मध्य लगने वाले बल से Q0 पर जो बल लग रहे थे F1 और F2, इन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यदि मैं इनको हटा भी दूं एक बार के लिए, तो दो आवेश बल लगा रहे हैं F1 और F2 लगा रहे हैं, किस पर लगा रहे हैं, Q0 पर। कितना बल लगा रहे हैं, F1 लगा रहे हैं और F2 लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लिया एक 5 का लगा रहा है, एक दूसरा भी 5 का लगा रहा है, तो टोटल कितना लगा रहा है, 10 न्यूटन लगा रहा है। अब इनके मध्य कितना बल लग रहा है, उस बल से इस 10 न्यूटन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का मान जो है, उस बल का मान विभिन्न आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी अलग अलग जो बल लग रहे हैं, जैसे पीछे वाले डायग्राम में 4 आवेश बल लगा रहे थे, तो इन चारों अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के योग के बराबर क्या होगा, परिणामी बल का मान होगा। उनके मध्य जो बल लग रहा है, जैसे Q1 पर Q2 के कारण लग रहा है, Q2 पर 3 के कारण भी लग रहा है, Q3 पर 4 के कारण, मतलब उनके मध्य जो बल लग रहा है वो बल F1, F2, F3, F4 या F5, 6, 7, 8 जितने भी आवेश हैं उनके कारण लगने वाले बलों को प्रभावित नहीं करता है। तो ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में अध्यारोपण का सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने जब बात करेंगे, तब अपने बात करेंगे बहुल आवेशों के कारण लगने वाले बल के बारे में, ठीक है। आज अपने जो पढ़ा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने यही पढ़ा था, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप, और सिद्ध करना कि ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की क्या करता है, पालना करता है। और कल अपने जो बहुल आवेश है, यानी जो अपने पास में बहु आवेश आएंगे उनके कारण लगने वाले बलों की बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग पीछे के जो वीडियोज़ हैं उनको एक बार ज़रूर देख लेना, वहाँ से भी आपसे एक या दो नंबर के प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।